तो स्वागत है आपका न्यूज क्लिक के इस इंटरव्यू में। हम आज विनय शुक्ला के साथ हैं। विनय शुक्ला जिन्होंने 2016 में एन इनसिग्निफिकेंट मैन नाम से फिल्म बनाई थी अरविंद केजरीवाल के राइज पर, और उन्होंने अब जाकर एक फिल्म बनाई है वाइल वी वॉच्ड, यानी नमस्कार मैं रवीश कुमार जिसका नाम है, और उसको जो टोरंटो का फिल्म फेस्टिवल है उसको एम्पलीफाई वॉइसिस का अवार्ड दिया गया है। विनय शुक्ला का कहना है कि इनसिग्निफिकेंट मैन जो फिल्म थी वो उनका लव लेटर था आइडियलिज्म और होप पर, और ये उनका एक एंग्शियस और गुस्से से भरा लव लेटर है किसको, तो हिंदुस्तान की पत्रकारिता को। तो हम बात कर रहे हैं विनय शुक्ला से। स्वागत है विनय आपका, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए न्यूज़ क्लिक पर। सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि ये फिल्म कहाँ से आपके दिमाग में आई, और दूसरा उसी का हिस्सा कि वाय रवीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा करेक्शन कि इसके पहली वाली फिल्म मैंने और खुशबू दोनों ने हाँ, साथ में जो बनाई जो थी। इस फिल्म की प्रोड्यूसर है जी, खुशबू जी, राणा। जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है। ये फिल्म कहाँ से शुरुआत हुई? इस फिल्म की शुरुआत हुई है कुछ साल पहले, जब मैं अपना जब मैं टीवी देखता था, जब मैं न्यूज़ देखता था, तो मैं काफी उदास हो जाता था, है ना। और मैं अपने दोस्तों से जब बात करा तो वो भी कह रहे थे कि वो भी जब न्यूज़ देखते हैं तो उनको समाचार देखने से एसेंशियली डर लगता है, और वो एक प्रकार से अपने समाचार को अपने जीवन से काट के बाहर रख रहे थे, जो कि मुझे, और ये हिंदुस्तान में ही नहीं काफी बाहर वाले देशों में भी यही चल रहा है, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आई कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, न्यूज इज अ मेजर सिस्टम ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। जरूरी जानकारी के लिए हम हमेशा न्यूज के पास जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमें समाचार मिल रहा है उससे हमारी जिंदगी बेहतर होगी, इन टर्म्स ऑफ द चॉइसेस वी मेक, इन टर्म्स ऑफ द कल्चर वी कंज्यूम, इन टर्म्स ऑफ हम अपना कल बेहतर कैसे बना सकें, इसके लिए न्यूज हमें उस तरफ लेके जाएगा। बट वेन वी स्टॉप वॉचिंग द न्यूज कंप्लीटली, मुझे वो ठीक नहीं लगा। तो मुझे न्यूज को लेकर कुछ करने का मन था। मैंने अपनी जो मैंने और खुशबू ने वो फिल्म थी, वो 2000 करीबन 2018 17 में रिलीज हुई थी, 18 में 18 तक उस पर पूरा काम हो चुका था। तो तब मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ बनाना है, शायद न्यूज के आसपास कुछ बना पाऊँ, या अगर मैं कुछ बना सकता हूँ। और तब मैंने रवीश कुमार के ब्रॉडकास्ट देखना शुरू किए, एंड आई रियली, मैं मतलब काफी आई फाउंड इट सरप्राइजिंग एंड फनी, बिकॉज रवीश वाइल एवरी अदर ब्रॉडकास्ट में एंकर्स चीख चीख के कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान का नंबर वन शो है, हम हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं, ये है नंबर वन डिबेट, रवीश अपने शो पे कह रहे थे कि वैसे भी आप लोग मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं कम से कम उतने ही सुन ले, पता नहीं कौन सुनेगा। या उन्होंने एक और बार किसी अपने ब्रॉडकास्ट में कहा था कि अब मैं जो कहने वाला हूँ वो आप तो सुनेंगे नहीं, तो एक काम करिए, एक पर्चे पे लिख लीजिए और वो पर्चा अपने बटुए में डाल लीजिए, ताकि किसी दिन जब आपका कोई बटुआ चुराएगा वो पढ़ तो लेगा। वो पढ़ के उसका शायद फायदा हो जाए। विच आई फाउंड टू बी वेरी, मतलब इट्स ऑल्सो एन इंडाइटमेंट ऑफ द ऑडियंस, इट्स ऑल्सो समबडी बीइंग वेरी वल्नरेबल। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो भी वो वही महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ, एक प्रकार की वल्नरेबिलिटी इन द करेंट न्यूज एनवायरमेंट। और वहां से मैंने एक फिल्म की शुरुआत वहीं से हुई थी, कि जहां आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दैट दैट सॉफ्ट स्पेस जो लोगों के भीतर होता है, जो वो महसूस करते हैं व्हेन दे फाइंड देमसेल्व्स डीपली अलोन। क्या चल रहा है रवीश के अंदर, आप कैप्चर कर पाए? क्या पता चला आपको? हाँ, क्या चल रहा है रवीश का? मैं रवीश को एक टायर्ड हीरो की तरह देखता हूँ। जब फिल्म की शुरुआत थी, ही वाज अ टायर्ड हीरो। इन्होंने एक बेहतर समय देखा है, इन्होंने एक बेहतर प्रोफेशन देखा है, और ये अब शायद मेरी तरह, मुझे भी यही लगता है कि एक प्रकार से आप जब आप मुख्य धारा के खिलाफ चल रहे होते हैं तो आप अपने आप को बहुत अकेला पाते हैं। रवीश उस अकेलेपन को
कई 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 सालों से जी रहे हैं, उसके साथ रहते रहते आप कई बार अपने आप से पूछते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो करने लायक भी है कि नहीं, और जिनके लिए कर रहा हूँ क्या क्या वो वाकई ही ये चाहते हैं। हम सब कई बार, हमको लगता है कि एज अ फिल्म मेकर मुझे लगता है कि मैं एक प्रकार की फिल्में बनाऊंगा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और ऑडियंसिस को उनकी भी जिंदगी बेहतर करेगी, पर कई बार आपको लगता है कि क्या लोगों को पढ़ी भी है। एक प्रकार से मुझे लगता है कि रवीश भी इसी चर्निंग से गुजर रहे थे और शायद अभी भी गुजर रहे हैं, जहां पे आप अपनी रेलेवेंस क्वेश्चन करते हैं, आप अपने आसपास के समाज, आपका समाज किस तरफ जा रहा है उससे क्वेश्चन करते हैं, और अपने और समाज के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो वो धागा है वो कितना टेन्यूअस है, उसके बारे में सोचते हैं। विनय, अगला सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ होगा, पहले आप हमें ये अगर बता सके कि किन दो सालों में आपने शूट किया है, 19-20 या 20-21? याद ही नहीं है मुझे, मतलब उन्हीं में से दो साल कहीं ना कहीं पे शूट हुआ। कोविड के दौरान भी शूट किया है आपने? कोविड के पहले शूट किया था, पर अब समय वाले सवाल, वो मतलब होता ना आटे का गुत्था है, अब उसमें किधर हाँ। उंगली डालनी है मुझे याद नहीं, पर देखिए समय से कई बार हमें ये भार जो होता है टॉपिकैलिटी और टाइम डिफाइन करने का, ये नॉन फिक्शन फिल्मों पे बहुत होता है कई बार, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, कि अच्छा आप थोड़ा बताइए 18-19 है कि 19-20 है, हाँ, तब और क्या चल रहा था देश, ये सारे सवाल। हाँ, कोशिश ये है कि ये फिल्म अपने आप को अपने समय के दायरे के बाहर भी वैलिड रहे, आउटसाइड द कन्फाइंस ऑफ द टाइम दैट इट्स बीइंग टेकन प्लेस इन। ये फिल्म विद्रोह की मायूसी के बारे में, जो भी आदमी मुख्य धारा के खिलाफ काम करेगा, भले ही वो न्यूज में हो, भले ही वो धंधे में हो, भले ही वो स्पोर्ट्स में हो, वो कहीं भी हो, उसे एक प्रकार का अकेलापन सहना पड़ता है, उस अकेलेपन के साथ जीना पड़ता है, और वो अकेलापन वो ही नहीं, उसका परिवार, उसकी संस्था, उसके दोस्त, सभी लोग महसूस करते हैं। ये फिल्म उस अकेलेपन के बारे में, ये फिल्म 2018, 2019, 2020 के बारे में नहीं। एज मच एज वी वुड लाइक टू रिलेट इट टू द इवेंट्स एंड द पीपल एंड द पॉलिटिक्स अराउंड इट, विच ऑफ कोर्स आर फैक्टर्स इन द फिल्म, बट दे आर नॉट द मोस्ट डिटर्मिनिंग फैक्टर्स, कि ये नहीं होते तो रवीश यहाँ नहीं होते, ऐसा मेरा नहीं मानना। हम सब अपने अपनी सर्कमस्टांसेस को लेकर अपनी जर्नीज पर हैं, कुछ लोगों को, सम पीपल आर अफेक्टेड मच मोर बाय पॉलिटिक्स, सम पीपल आर अफेक्टेड लेस सो, बट वी आर ऑल गोइंग थ्रू द सेम थिंग। पत्रकारिता की अगर बात करें तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट स्टेट इन जर्नलिज्म? हम देख रहे हैं कि अपने काम की वजह से, हमने जुबैर को देखा, जुबैर वॉज इन जेल, रुपेश कुमार सिंह है झारखंड के, मतलब ये कुछ पत्रकार हैं, आसिफ सुल्तान हैं, कई सारे लोग इस समय पर जेल में हैं और सजा काट रहे हैं, उनको ट्रायल भी नहीं मिल रहा है, और जी ये सब उस वजह से है कि फॉर अ स्टोरी दैट दे डिड, फॉर अ पीस दैट दे रोट, फॉर अ वीडियो दे मेड। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि इस समय पर एज अ फिल्म मेकर हैव यू ट्राइड टू एड्रेस दिस इन योर फिल्म, और इसके अलावा मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बेसिकली? देखिए मेरी कोशिश है लगातार, एक तो हर शख्स जिसके बारे में आपने बात करी है वो उस शख्स के बारे में ही अकेले आधे घंटे बात होनी चाहिए, तो मैं माफी चाहता हूँ कि आई विल बी ग्लाइडिंग ओवर थिंग्स अ लिटिल फास्ट, बट बाय दैट आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू ईच पर्सन हु हैज बीन स्पोकन अबाउट। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सिस्टम्स की, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम जर्नलिज्म एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके आसपास हम क्या कर रहे हैं उसकी है। मेरे टू बी वेरी ऑनेस्ट गोइंग फॉरवर्ड, मुझे लगता है तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बात, जर्नलिस्ट नीड टू हैव बेटर राइट्स विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन। जिन लोगों का आपने नाम लिया, जो अरेस्टेड हैं या हु आर going through a difficult time for you know having filed reports which are not favorable to certain people, to certain interests,
प्रॉब्लम ये है कि आवर इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट फॉर डूइंग व्हाट वी नीड देम टू डू राइट. There is a fair amount of restructuring that we need to do there. So journalists' rights within their organizations also. Yeah, journalists' ke contracts bahut hi kharab. Matlab 3-3 mahine ke contracts sign hote hain, mahino ke extensions pe log kaam kar rahe hain with very poor pay, with very poor rights. Jab tak aap journalist ka khayal nahi rakhenge, aapka journalism, aapki patrakarita kahan se behtar? So very poor rights within the organization, very poor representation and protection outside the organization. Of course, you can talk about better news, aap standards kaise better kare, which is the second point. Ke hamari journalists ki, you'd be surprised, but people who are working in the same organization don't come from the same background. And we need better training for journalists within organizations. Hum ek aisi duniya mein reh rahe hain wherein we are dealing with very, very complex problems. Climate change is a complex problem. Migration is a complex problem. Left-wing bias is a complex problem. Right-wing culture is a complex problem. Hum jitna bhi chahein, कि कल को इन चीजों का एक सलूशन निकल जाए या अगले चुनाव के साथ ये सारी की सारी चीजें सॉर्ट हो जाए, वो होने नहीं वाला है. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रिक्वायर सिंपल सॉल्यूशंस बट विथ हैव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड देम, अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट बिहाइंड देम. वी यू विल बी सरप्राइज्ड बट मेनी पीपल विद इन सोसाइटी एंड द सेम सोसाइटी फ्रॉम वेयर जर्नलिस्ट कम फ्रॉम डू नॉट थिंक इन कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स. पर जर्नलिस्ट के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. सो वी नीड बेटर ट्रेनिंग फॉर जर्नलिस्ट. एंड थर्डली विच इज अनफॉर्चुनेटली आई मीन हाउ डू आई से दिस, फिलहाल द न्यूज इज करेंटली मेकिंग क्लेम्स ऑन माय पार्ट एंड आई हैव नो वे टू टेल द न्यूज दैट आई डिसएग्री. सो देयर हैज टू बी अ फोरम वेयर इन न्यूज मेकर्स, news consumers and news regulators are able to talk to each other. And there has to be a penalty for people who are deliberately causing harm. आप जैसे अगर आप अमेरिका की बात मान लें, आप अमेरिका में देखें तो वहां पे कैपिटल हिल रायट्स हुए थे, जहां पे पीपल वेंट विद इन द कैपिटल हिल और उन्होंने अपने मन का किया, वहां पे कमीशन हो रहा है एंड दे शुड गो ऑफ. It should give you an idea कि न्यूज चैनल्स का इम्पैक्ट क्या है, कि लोग गलत न्यूज देख देख के किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं. अगर हिंदुस्तान में देर आर टेलीविजन चैनल्स, देर आर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग न्यूज दैट इज सिंपली नॉट ट्रू, यू हैव टू पनिश देम. देर इज सिंपली नो अदर वे टू प्रोसीड. And that by that punishment, I don't mean, oh, you have to put them in jail or whatever it is. But there has to be a system, a framework that addresses these lacunes that exist right now because people are exploiting them and the public is suffering. So, apne newsroom mein training ki baat ki. The newsroom where you shot in NDTV. Yeah. Recently, yeah. Kis tarike se unme jo hai stakes ka kuch hua hai aur kafi lamba bada jo share hai, wo एक उद्योगपति के पास चला गया है एनडीटीवी का. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? और अब लोग इस पे बहुत ज्यादा ये भी कह रहे हैं कि आजाद पत्रकारिता जो एनडीटीवी कर पाता था वो नहीं कर पाएगा. क्या आपकी रवीश से बात हुई इस बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? और न्यूज रूम का कैसे जो भी है माहौल आपको लगता है बदलेगा? मेरी रवीश से इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है. रवीश के पास कोई टाइम नहीं है मुझसे बात करने का. सौ बात की एक बात, पहली बात. दूसरी बात, ये जो लोगों की, मैं लोगों का मन समझता हूँ, है ना, उनकी भावनाएं समझता हूँ, उनकी भावुकता समझता हूँ. कि ये कहना कि आप आजाद पत्रकारिता का फ्यूचर डेंजर में है और ये सब, चैलेंज ये है कि जब तक आपके पास, वी नीड मोर इंस्टीट्यूशंस.
We need more news networks. We need more anchors. We need more journalists. जब तक हमने किसी एक पर अपनी उम्मीदें लगाई रखी हैं, कभी ना कभी जाके महेंद्र सिंह धोनी आउट ऑफ फॉर्म होगा, रिटायरमेंट लेगा, है ना? उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते. सो नाउ वी कैन, आई डोंट नो आफ्टर टेक ओवर इनकी इनका एडिटोरियल किस तरीके से बदलेगा. आई एम नॉट, यू नो, आई कांट लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन. बट सॉरी, पर मुझे इसमें पूरा कॉन्फिडेंस है दैट वी नीड मोर डाइवर्स वॉइसेस आउट देयर. वी नीड बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर द काइंड ऑफ प्लुरैलिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ जस्ट जर्नलिस्टिक वॉइसेस, टैलेंट, डाइवर्सिटी. वी नीड दैट विद इन आवर जर्नलिज्म. जब तक हम किसी एक पे उम्मीद लगा के रखे रहेंगे और हमको लगे रहेगा कि यही खेलता जाए अगले 100 साल, हम, वी आर फूलिंग ourselves. We need to build a better system that allows for more talent to come through. But why do you think ki Ravish se, matlab ye aapki alochna bhi ho sakti hai. I was just reading somewhere ki ek insaan ko larger than life dikhane ki kya zarurat hai. Almost, matlab humne picture nahi dekhi hai kisi ne bhi Hindustan mein, aur kafi kam logon ne dekhi hogi. To jab aap ye keh rahe hain ki Ravish Kumar Mahendra Singh Dhoni se aapne ek tarah se compare kiya, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी आलोचना हो सकती है कि देखिए और भी जर्नलिस्ट हैं, लोकल जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, अल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो काम कर रही हैं? तो हाँ, मैं समझ. व्हाट डू यू वांट टू से टू दोस पीपल जो आपको ये कहेंगे पिक्चर आने के बाद कि आपने जो है रवीश को इतना लार्जर देन लाइफ क्यों दिखाया? क्या आपको वो प्लेटफॉर्म्स नहीं दिख रहे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं? क्या आपको वो पत्रकार नहीं दिख रहे हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीजें हैं यहाँ. पहली बात तो मैंने रवीश को महेंद्र सिंह धोनी के साथ कंपेयर नहीं किया. मैंने कहा है कि जब भी आप किसी एक पर आप उम्मीद रखते हैं, है ना, वो आप, मैं पीटी उषा का भी नाम ले सकता हूं या मैं किसी का भी नाम ले सकता हूं. इट्स नॉट अ डायरेक्ट कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी. इट्स अ मेटाफर. पहली बात. दूसरी बात, ये आइडिया लेना कि और भी कई लोग हैं कहानी और फिल्म के पात्र बनने लायक, हाँ जी बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है. मैंने उन्हें क्यों नहीं लिया, मेरा मन नहीं. हम लोग वो कहानियां बताना चाहते हैं जो हमें सही लगे. आई एम वेरी वेरी सेल्फिश एंड वेरी क्लियर दैट आई फाउंड रवीश टू बी अ गुड कैरेक्टर फॉर द स्टोरी दैट आई वांटेड टू टेल. दैट डजंट मीन आई डोंट सी एनीथिंग एल्स. दैट डजंट मीन आई हैव लेस रिस्पेक्ट फॉर समबडी हु इज अ ग्रास रूट जर्नलिस्ट, समबडी हु इज वर्क्स इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, समबडी हु doesn't agree with Ravish. मुद्दा यह है कि आपको कहानी क्या बतानी. मैंने आपसे कहा कि मुझे कहानी यह बतानी है that what does, when somebody goes against the mainstream in a profession that they have given 25 years of their lives to, और तब आपको लगे कि शायद मेरे लिए यहां पर कोई जगह नहीं है, तो तब इंसान के अंदर क्या होता है. मेरी कोशिश है उस आइसोलेशन, उस डिजेक्शन के आसपास एक मेडिटेटिव पीस बनाना, एक फिल्म बनाना, एक कहानी बताना. क्या मैंने रवीश को इसमें लार्जर देन लाइफ बनाया है? मेरा नहीं मान. मुझे लगता है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो इफ एनीथिंग इट रिड्यूसेस रवीश's साइज टू बी समथिंग दैट इज कंप्लीटली वेरी वेरी it makes him more flawed, it makes him more real, it reduces the shine of the prime time. When you see that he has chinks and he has fears and he has he laughs, he panics, he has flaws just like most people do. So if anything, the film is a deeply, it's a very detailed portrait of somebody who's just trying to find answers to whether he's relevant or not. This is not a film wherein you see him and you go like, wow, kya Ravish hai, kya mast hai, hum sabko journalism karna hi hai. Ye wo film nahi, kyunki ye wo daur nahi. Kab hum dekh payenge film India mein ye cheez? Meri koshish hai, jaldi hogi. Mujhse har aadmi, har aurat, मेरा दूध वाला भी ये सवाल पूछ रहा है आजकल, मैं मजाक भी नहीं कर रहा. उसने बोला भैया मैंने, तो नहीं, बट इनसिग्निफिकेंट मैन वी, मतलब वी वर एबल टू वॉच काफी जल्दी मेरे ख्याल से, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगा था.
तो इसको आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये यही है आपको ऑब्वियसली लगा होगा हमारे पास। अच्छा मैं तुमको एन इनसिग्निफिकेंट की मैन की टाइमलाइन सुनाता हूँ, ठीक है। 2016 में सितंबर 2016 में फिल्म रिलीज हुई, ठीक है। उसके कुछ महीने बाद हमने सेंसर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था जो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद चली लंबी लड़ाई। अच्छा। है ना, पिक्चर रिलीज हुई है हिंदुस्तान में एक साल बाद, ठीक है, पर विद ड्यू बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ यू नो पीपल हु वर्क विद अस, हु हेल्प्ड अस, हमारी लीगल टीम आई एम सॉरी बहुत अच्छी थी, अपार हु वाज अ लॉयर बैक देन, और खुशबू जो मेरी को डायरेक्टर थी, उन दोनों ने बहुत क्लोजली काम किया था इस पूरे की पूरे सेंसरशिप बैटल पे, एंड वी वर एबल टू गेट आउट। पर ये है कि मतलब सी द थिंग इज आई अप्रिशिएट एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन द फिल्म एंड दे वुड वांट मी टू ब्रिंग द फिल्म टू इंडिया। इससे ज्यादा मैं कुछ मांग भी नहीं सकता था अपनी करियर में, अपनी ऑडियंस से, तो मैं जल्द से जल्द लाना चाहता हूँ। पर काफी चीजें हैं जो मेरी कंट्रोल में नहीं, मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मैं हिंदुस्तान लेके आऊँ। पिछली बार हमने फिल्म थिएटर्स में दिखाई थी, मेरी कोशिश होगी ये फिल्म भी थिएटर में लेके आए। पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि आप लोग जानते ही हैं वो थोड़ा और उसमें काफ़ी थोड़े पेचीदा प्रोसेस है। मैं अकेला ही हूँ फिलहाल, खुशबू लूक जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेरे एग्जैक्ट प्रोड्यूसर, हम 3-6 लोग ही हैं यहाँ पे और लंदन में जो हम सब सारा काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा पजल है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्दी कुछ सॉल्व होके आई शुड बी एबल टू ब्रिंग इट टू इंडिया सून। विच साउंड्स एब्स्ट्रैक्ट आई नो, पर मेरे पास मुझे जितना दिखाई दे रहा है उतनी मैं बात कर सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि हाँ नजदीक जल्दी आ जाएगा गाँव, उस टाइप का सीन। जी चलते अपने बारे में बताइए थोड़ा, फिल्म मेकिंग के बारे में, कहाँ से शुरू किया आपने? और मैंने घर से शुरू किया फिल्म मेकिंग, मतलब लिटरली मैं दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मैंने ट्राई नहीं किया होगा और जिसमें मैं दैट आई डिडंट फेल एट। तो आई केम टू फिल्म मेकिंग बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। वंस आई रियलाइज कि मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता तो मैंने बोला, और उस समय लाइफ में मैंने एक शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन जीता था तो मैंने बोला कि कुछ नहीं हो सकता तो मैं ये फिल्म मेकर बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे कहानियां बताना बहुत अच्छा लगता था एंड आई यूज टू फील दैट स्टोरीज कैन चेंज द वर्ल्ड। तो मैंने सोचा कि यार ये वो मेरा कोर डीएनए है, सो इवन ऑन डेज व्हेन आई डोंट वांट टू थिंक दैट आई स्टिल बिलीव, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, पर वो मेरा बहुत कोर वो है, इट कोड, इट्स अ कोड दैट रन्स थ्रू मी, इट कांट चेंज। दैट ऑप्टिमिज्म हैज टेकन अ लॉट ऑफ बीटिंग, दैट ऑप्टिमिज्म हैज टेकन अ लॉट ऑफ क्रैशिंग, बट इट कांट चेंज, इट्स लाइक नहीं ही बदलेगा वो। जी सो यस आई स्टिल, तो सो आई केम टू द प्रोसेस, आई केम टू फिल्म मेकिंग बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। मैंने एक शॉर्ट फिल्म जीता, कॉम्पिटिशन जीता था और फिर मैंने फिल्में बनाने का फैसला कर लिया। फिर मैंने काफ़ी पहले करीबन 5-6 साल सिर्फ फिल्में देखी हैं भयंकर, मैं दिन में 2-3 फिल्में देखता था और मेरे दोस्त थे जो मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा फिल्में देखते थे, फिल्में समझने की जिनकी कोशिश थी, जिन मुझसे ज़्यादा समझ थी, तो मैं उनसे काफ़ी सीखा। फिर मैंने करीबन जब मैं 23-24 साल का था तब मैंने वो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राग सरकारी, जो इमरजेंसी में स्थित थी, 1975 की इमरजेंसी में। वो फिल्म ख़त्म हुई, उसको थोड़ा प्रमोट किया, फिर आम आदमी पार्टी तब नहीं थी, तब मैंने और खुशबू ने एन इनसिग्निफिकेंट मैन बनाई, वो ख़त्म हुई, फिर ये शुरुआत कर दी और अब आगे के सामने बैठा। क्या है इंस्पिरेशन इस फिल्म के पीछे, मतलब व्हाट फिल्म्स डू यू वॉच अगर जर्नलिज्म की बात आती है? मैं देखो एक ईमानदार जवाब यह है कि मैं दुनिया भर का कचरा देखता हूँ, ठीक है, और दूसरा जवाब यह है कि मेरी फेवरेट फिल्म्स क्या है, मतलब इसी जॉनर की, मतलब मैं लिटरली मैं और मेरे दोस्त जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं ट्विटर पे, और ट्विटर पे नहीं मतलब अपने व्हाट्सएप पर, तो तुम उन फिल्मों का नाम देखोगे तुमको बोल तुम मतलब तुम बोलोगे कि मतलब हम लोग एनीवेज। तो आई लिटरली वॉच द जंक ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी कोई फिल्म, ऐसी कोई घटिया फिल्म नहीं है जो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर देखी नहीं है। पर इन टर्म्स ऑफ द फिल्म्स दैट आई रियली एडमायर, कुछ जर्नलिज्म फिल्म्स हैं, कुछ न्यूज रूम थ्रिलर्स हैं जिनका मुझे
इनको जिन फिल्मों से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है. देयर इज अ फिल्म कॉल्ड नाइट क्रॉलर. नाइट क्रॉलर नाइट क्रॉलर जेक जिलेनहॉल की जो बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म है, विच आई रेकमेंड योर व्यूअर्स आल्सो टू वॉच. स्पॉटलाइट है. देयर इज अ फिल्म बाय अलेक्जेंडर ननाओ, अ नॉन फिक्शन फिल्म कॉल्ड कलेक्टिव. मैंने राइटिंग विद फायर देखी नहीं है, पर मैंने इतना कुछ सुना है कि मेरा मन कहता है ये भी कह दूं कि ये भी मेरी फेवरेट फिल्म है, पर मैंने देखी नहीं है. मेरी उम्मीद है, बट आई होप योर ऑडियंस हैज वॉच इट. इट वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द एकेडमी अवार्ड्स. सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फिक्शन फिल्म्स इन जर्नलिज्म, आई शुड मेंशन इट. आई होप टू वॉच इट सून. हाँ, ये कुछ फिल्में हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. और एंड सम फिल्म दैट इट्स अ चाइल्डहुड फेवरेट, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट क्वालिफाइज एज अ जर्नलिज्म फिल्म एज सच, विच इज फिर भी दिल हिंदुस्तानी बाय शाहरुख खान एंड जूही चावला. जी, एंड देयर इज आल्सो द न्यूज़ रूम ना, जो बाय एरन सॉर्किन. हां, इट्स फाइन. बट एरन सॉर्किन, मोस्ट ऑफ एरन सॉर्किन्स वर्क आई लाइक. आई नो, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक पर वही है कि मतलब आई, to be very honest, I liked it when I'd seen it, and I still find some great cinematic moments in it to learn from. क्या है विनय, आने वाले समय में क्या काम करने वाले होंगे आप? What are you thinking? मैं एक नया एक नई कहानी लिख रहा हूँ अपने cinematographer के साथ, जो एक hostage drama है, तो वो लिख रहा हूँ. और आजकल मतलब थोड़ा लिखने सोचने का समय कम है, तो कुछ महीनों में मुझे थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा, तो फिर मैं थोड़ी और सफाई और शांति के साथ सोच पाऊंगा फ्यूचर के बारे में. फिलहाल व्हाइल वी वॉच्ड, जिसका हिंदी नाम है नमस्कार मैं रवीश कुमार, उस पर पूरा का पूरा टाइम जा रहा है मेरा. बट दिस इज एन एक्साइटिंग टाइम, आई एम रियली हैप्पी. इट्स लाइक आप अपने अपनी गुफा में से निकले 4 साल बाद और सीधे के सीधे रेलवे स्टेशन पर आके खड़े हो गए, जहाँ पे हर तरफ से ट्रेन आ रही है, लोग जा रहे हैं, खुली जा रहा है, कोई सामान बेच रहा है, उस तरह का. There is a fair amount of activity around me with regards to the film. So I'm just trying to get used to it. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम बहुत ज्यादा excited हैं कि जल्दी फिल्म आए और तब हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है. और वैसे मतलब जैसे जाते जाते लोग क्या बोल रहे हैं पिक्चर के बारे में, मतलब मैंने तो रिव्यूज वगैरह पढ़े, इट वॉज गुड, बट वॉट आर पीपल जिन्होंने देखी है, हिंदुस्तान के कुछ लोग या बाहर के? वो मेरे हिसाब से अब हम उस दौर में नहीं है जहाँ तुरंत पता चल जाए, हफ्ते में पता चल जाए, 10 दिन में पता चल जाए, महीने में पता चल जाए. एक इम्पैक्ट होता है टिकट कलेक्शन का, बॉक्स ऑफिस का, वो तो आप जानते हैं. बट जो कल्चरल इम्पैक्ट है, जैसे मैं बनाता हूँ फिल्में ताकि लोगों के अंदर कुछ को कुछ किसी प्रकार का चेंज आए, प्रभाव, वो कुछ सालों में पता चलता है. जैसे अब मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो लोग मुझे एन इनसिग्निफिकेंट मैन के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे उनके लिए वो फिल्म महत्वपूर्ण थी. जब हम जहाँ पे टोरंटो में हम स्क्रीन कर रहे थे, आई वॉज वेरी सरप्राइज वेन दे अनाउंस दैट यू नो हिज लास्ट फिल्म वॉज एन इनसिग्निफिकेंट मैन, और पूरा का पूरा थिएटर खड़े होकर ताली बजा रहा था. तो अब मुझे ये मौक, ये जब वो हुआ तब मुझे एक प्रकार से एहसास हुआ कि अच्छा, इस फिल्म का, इस फिल्म की कहानी में ये भी एक चैप्टर. सो वी आर ओनली एबल टू मेजर इम्पैक्ट इन अ कपल ऑफ ईयर्स. फिलहाल तो लोग बहुत अच्छी चीज कह रहे हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड. जो मैं सुन रहा हूँ मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा. तो उस प्रकार का कि मैं उस फेज में हूँ, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ. पर आई डोंट नो, आई ओनली नो अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर अगर जो मैं इस फिल्म के साथ करना चाहता था वो हुआ है कि. सो दिस एंड्स आवर इंटरव्यू. बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे, और थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.